अदालत में छोटे बाबू के खिलाफ गवाही देनी होगी। नहीं दरोगा बाबू, शुरुआत में वो छोटे बाबू के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं थी, फिर मैंने एक धमक दी, तैयार हो गई। एक तवायफ के लिए हमारा भाई कटघरे में खड़ा होगा, हम देखते रहेंगे और हमारे साथ दुनिया देखेगी। अगर तूने उन्हें मुझसे दूर कर दिया ना, तो मैं तुझे भी अपने से बहुत दूर कर दूंगी। लोचन भैया इतने साल से ही हवेली में हैं, आज पहली बार अदालत जाना पड़ रहा है। बच्ची भैया, आज उनकी रिहाई हो जाएगी ना? देखिए, हमको तो बहुत घबराहट हो रहा है। क्या डर लग रहा है बहुत। साले साहब, कहाँ अदालत जा रहे हो? हाँ साले साहब, आज छोटे बाबू की सुनवाई है, आप आ रहे हैं ना अदालत में? मैं तो चाहता हूँ कि मैं अदालत आऊँ, लेकिन वहाँ नहीं आ सकता। मेरे भगवान से यही प्रार्थना है कि छोटे बाबू की रिहाई जितनी जल्दी हो सके हो जाए। लोचन भैया, आप चलो ना वहाँ पे, चलो चलो। साले साहब, छोटी बहू रानी अकेली है, रो रो के हलेकान हो रही है, अपनी जान दे रही है, हो सके तो आप थोड़ा से उनको देख लीजिएगा। साले साहब, हम चलते हैं। केस नंबर 317/37, स्टेट वर्सेस कौस्तुभ मणि चौधरी। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। कौस्तुभ मणि चौधरी हाजिर हो। कौस्तुभ मणि चौधरी, अदालत की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी आस्तीनें नीचे कीजिए और कुर्ते का बटन भी ठीक कीजिए। इस दफे मैं आपको माफ कर दे रहा हूं, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है। जबरदस्ती लगान वसूल करना, लोगों की जमीन हड़प लेना, गरीबों पर जुल्म करना, उनके घरों में आग लगा देना और घर की पत्नी के अलावा बाहर रखेल रखना, इन लोगों का शौक रहा है मिलोर्ड। माफी चाहता हूं, अदालत के कटघरे में खड़े ये कौस्तुभ मणि चौधरी, जिन्हें लोग छोटे बाबू के नाम से जानते हैं, दरअसल ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, ये एक बहुत बड़े जमींदार के रूप में जाने जाते हैं और इनकी रखेल का नाम है चुन्नी भाई। ये छोटे बाबू रंगीन मिजाज, शौकीन मिजाज, एक अय्याश किस्म के इंसान है मिलोर्ड। पैसा तो रहा नहीं, लेकिन अय्याश ही रह गए। और उधर चौधरी परिवार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और ये बात ये सब लोग जानते हैं, इसीलिए कुछ महीनों से छोटे बाबू चुन्नी भाई का खर्च नहीं उठा पा रहे थे मिलोर्ड। और दूसरी तरफ चुन्नी भाई जहां सिक्के गिरे वहां उसकी पहल बनी, तो मजबूरन उसे छोटे बाबू का हाथ छोड़कर किसी और का हाथ थामना पड़ा, और वो हाथ था नाटू दत्त बाबू।
छोटे बाबू को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। नतीजा उन्होंने नाटू दत्त बाबू को जान से मारने की कोशिश की और साथ ही चुन्नी बाई को भी मारने की कोशिश की। मिलॉर्ड, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मैं अपने फाजिल दोस्त की बात से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं। ये बिना कुछ सोचे, बिना समझे और बिना ही किसी सबूत के मेरे मुवक्किल पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। सबूत खुद चुन्नी बाई है मिलॉर्ड, और इसीलिए मैं चुन्नी बाई को एक गवाह की हैसियत से अदालत के इस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। चुन्नी बाई हाजिर हो। तुम छोटे बाबू को कब से जानती हो? मैं 14-15 साल की थी तब मेरी माँ गुजर गई थी। उसके बाद छोटे बाबू ने ही मुझे सहारा दिया। अच्छा, 5 अप्रैल की रात को जब यह हादसा हुआ उस समय छोटे बाबू कहाँ थे? मैं नाटू दत्त बाबू के लिए नाच रही थी। नाचते नाचते मेरे पैर लड़खड़ाए और मैं जाम भरे कांच के गिलास पर जाकर गिर गई और उन कांच के टुकड़ों से मैं जख्मी हो गई। उस समय छोटे बाबू क्या कर रहे थे? जहां तक छोटे बाबू का सवाल है, वहां थे ही नहीं। ए चुन्नी बाई, ये क्या बकवास कर रही है तुम? ऑर्डर ऑर्डर। क्या कर रहा नाटू? सुन कर सके चुन्नी बाई, सबकी एक कढ़ाई पर पानी फिर दिया। भाई के बयान से साबित होता है कि कौस्ता मुनि चौधरी बेगुनाह है, इसलिए उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। बधाई हो मजले बाबू, बधाई हो। अरे पहले कहां था ना। छोटी चाची के लिए बहुत चिंता हो रही है। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मैं बाहर गया ही क्यों। छोटे चाची की वैसी इतनी तबीयत खराब है, पता नहीं उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। इस दरोगा के बच्चे की इतनी हिम्मत, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। मजले चाचा ने दरोगा को समझाने की बहुत कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। चारू, हमारे खानदान का कोई भी मर्द आज तक थाने तक नहीं गया है, ये अदालत तो बहुत बड़ी बात हो गई। अरे हम तो किसी से नजर मिलाने के लायक तक नहीं रहे, और मैं जानता हूं इसका जिम्मेदार कौन है। इस सब का जिम्मेदार वो नाटू दत्त है, और इस नाटू दत्त को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। आप शांत हो जाइए, देखिए
हिम्मत रखिए, भगवान सब ठीक कर देगा। आप अपनी इस भक्तनी को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपने मेरे स्वामी को सकुशल मेरे पास वापस नहीं लौटाया ना, तो मैं यहीं आपके चरणों में भूखी प्यासी पड़ी रहूंगी। तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगी जब तक आप मेरे स्वामी को मेरे पास नहीं लौटाते थे। छोटी बहुरानी, छोटी बहुरानी, बड़ी माँ, बड़ी माँ, हे छोटे बाबू आ गए, मंजली मालकिन, छोटे बाबू आ गए, छोटी बहुरानी, छोटी बहुरानी, छोटे चाचा, छोटे चाचा आप ठीक है ना? छोटी चाचा, मैं भी छोटी चाचा को खबर करता हूँ। छोटे, दिल छोटा मत करो, जाओ अपने कमरे में आराम करो। लाज रख ले, तूने मेरे स्वामी को सकुशल मेरे पास लौटा दिया। दुलाल की कृपा से आप ठीक ठाक लौट आए। आप कुछ खाएंगे? हाँ? छोटी, मुझे अकेला छोड़ दो। आपको अच्छा भोजन, बस कुछ तो खा लीजिए। आप रहने दीजिए दीदी, आप नहीं समझती, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। हाँ, मैं भोजन लाती हूँ दीदी। आराम करने दे। आई बड़ी माँ, यहाँ पे। छोटे, छोटे, आराम, कितना कितना कमजोर हो गया है तू, खाना वाना ठीक से नहीं मिला होगा उधर। छोटे, छोटे, उन लोगों ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी ना? हाँ, दरोगा ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी? तेरे साथ कोई बुरा व्यवहार तो नहीं किया? बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, जो भी हुआ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अब छोड़िए इन बातों को। तू चुप रह। छोड़िए इन बातों को, उसे छोटे को आराम करने दीजिए। छोड़िए ना, उन दोनों को अकेला छोड़ देते चाहिए। मुझे पूछने दे मजली, तुझे क्या मालूम? चुप रह मजली, मैं तो पूछूंगी। और आजादी हमारा खाती है और हमारे खिलाफ बोलती है। तेरी वजह से छोटे बाबू जीते आज। तेरी वजह से हमें नीचा देखना पड़ा। तेरी वजह से हमारे सब किए कराए पर पानी गिर गया। तेरी वजह से। चुने, तू जानती नहीं है, जानती नहीं है तूने किसके साथ दुश्मनी मोल ले ली है। नाटू दत्त नाम है मेरा। तू मैं मोहताज कर दूंगा तुझे, एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दूंगा। माफ कर दीजिए मुझे। माफी माफी नहीं बल्कि अब ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी तुम। हुजूर, हुजूर, ये नादान है, सच जानी है, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। हाँ, चुप कर दल्ले। कसूरवार होने के बाद भी तू इसे बेकसूर ठहरा रहा है।
मैं सच कहता हूँ हुजूर, कटघरे में आकर चुन्ने घबरा गई थी। मैं डर गई थी हुजूर। कोई और होता ना, कोई और होता तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। हम तेरे टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे, बल्कि तुझे टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज कर देंगे। यही सजा है तेरी, मोहताज कर देंगे हम तुझे। हुजूर आज चल कर ले। चुन्नी चुन्नी तुम ठीक तो हो ना? वृंदावन, क्या ये सच है कि हम टुकड़े टुकड़ों के मोहताज हो जाएंगे? चुन्नी ये तो बात की बातें हैं, खैर मनाओ कि जान बच गई। ये सब मेरे बाबू की सजा है। मैंने छोटे बाबू के साथ बेईमानी की, उसी की सजा मुझे मिल रही है। चलो अच्छी बात है, छोटी बहू को खुशी तो नसीब हुई। बंसी, छोटी बहू क्या मुझे याद करती है? सच कहूं साले साहब, छोटी बहू रानी को छोटे बाबू मिल गए ना, वो सब कुछ भुला बैठी है, सब कुछ भुला बैठी है। उसको अब कुछ याद नहीं रहा, कुछ याद नहीं रहा। छोटी बहू को छोटे बाबू मिल गए और जवा को सुपवित्र। अब मैं यहां क्यों रह रहा हूं और किसके लिए? आप इतने खामोश क्यों हैं? अपने दिल पर इतना बोझ मत लीजिए। जो कुछ भी हुआ उसे एक भयानक सपना समझकर भूल जाइए। मैं आपको इतना दुखी नहीं देख सकती। आप हंसते बोलते कितने अच्छे लगते हैं। मैं आपको इस तरह मायूस नहीं देख सकती। आपको याद है जब मैं आपके लिए पहली बार नाची थी तो आप कितना खिलखिला के हंसे थे? मैं आपके लिए फिर उसी तरह नाचूं? ठीक है, अगर आपका दिल और दिमाग अब तक जान बाजार में है तो फिर मैं चुन्नी बाई को बुलवा देती हूँ और वो आपके लिए नाम मत लो उसका। आज के बाद उसका जिक्र भी मत लाना अपनी जुबान पर। उसका नाम और शक दोनों से नफरत हो चुकी है मुझे।